हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफलानर। श्रेणी सप्तम बेले आज वीडियो रे तुम गणित जो द्वितीय अध्याय अच्छी जाना हूँ भग्न संख्या और दशमिक संख्या यार पिला माने अभ्यास कार्य दुई दशमिक तीन जहाँकि भाग क्रिया बा हरण रिलेटेड अटे ताको आम वीडियो रे डिस्कस करिबा। देख अभ्यास कार्य दुई दशमिक तीन रो एक नंबर क्वेश्चन देला भागफल स्थिर करिया पई। तो देख प्रथम बिट देला बार हरण तीन बाई चारि। देख पिले हरण करिवार सब बेस्ट टेक्निक होची कौन ना मन कर तुमको दुई बाई तीन हरण चार बाई दुई देछि तो करिवो कौन ना प्रथम जो भग्न संख्या को जिन सिन लिखिदेव तापर ये हरण को गुणन चिन्ह दबो आउ द्वितीय जो भग्न संख्या अच्छी उल्टे दबो मीन चार बाई दुईटा के दुई बाई चार तापर तुम्हें जमी गुणन प्रक्रिया करूल सेमती करवा चाहिए कटाकटी भी करें दुई को चार काटा दुई एक दुई दुई दुणे चार दुई एक ये एक रहा एक रहा एक को एक गुणले एक ये तीन रहा ये एक रहा तीन को एक गुणले तीन ठीक अच्छे। तो ये प्रकार तुम्हें करपर चल तो बर्तमान देखिए आम प्रथम बीट देख प्रथम बीट से कौन देला ना बार हरण तीन बै चार तो मुझ बार लिखिली ए हरण को कौन करी ना गुणन करी तीन बै चार कौन हम ना अटोमेटिक चार बै तीन होक्वल टू देख बार तले किसी ना बोले एक अच्छी तीन को बार काटे आसो चार ए चार चार गुण आसो षोह तले एक एक अच्छी एक एक गुण गुणिले आसो एक तो षोह बै एक जहाँ खाली षोह ता तो यार आंसर आसो षोह खबिट देला आठ हरण सात बै तीन तो आठ को आठ लिखी ए हरण चिन्ह को गुणन करी सात बै तीन को लिखी तीन बै सात आठ तले किसी ना एक अच्छी तो आठ को तीन गुणी आठ तरीक चबीश एक को सात गुण आसो सात एक सात तो चबीश बै सात आसला आंसर ठीक अच्छे बुझिपार बहुत बढ़िया गीट देख चार हरण आठ बै पाँच अच्छी तो चार की चार लिखिली हरणटा गुणन हम आठ बै पाँच पाँच बै आठ हम देख चार एक चार चार दुण आठ चार तले किसी ना बोले एक अच्छी एक को पाँच गुण लेके आसो पाँच आउ यही एक को दुई गुण आसो दुई तो आसला पाँच बै दुई ठीक अच्छे कत आसला पाँच बै दुई घबिट देख तीन हरण दुई पूर्ण बै तीन देसी तो तीन को तीन लिखी ए हरण को हरण देवी एवं गुणन करी कहीं ना यहाँ दुई पूर्ण एक बै तीन मीन आम मिश्र भग्न संख्या देखिए आपको आम अप्रकृत भग्न संख्या करवा तो तीन दुणे केत हम छह छक सात मीन सात बै तीन तीन हरण सात बै तीन तीन को तीन लिखिली हरण चिन्ह को गुणन दे सात बै तीन टाइम लिखी तीन बै सात यही तीन तले किसी ना बोले एक अच्छी तब तीन को तीन गुणले तीन तरीके नौ एक सता सात तो नौ बै सात ये आसे के नौ बै सात ओके बीटा देख पाँच हरण तीन गुण चार बै सात ताको आम कौन करा ना पाँच पाँच लिखा हरण को हरण देवा तीन गुण चार बै सात जो अच्छी आपको आम जो मिश्र भग्न संख्या को अप्रकृत करवा अर्थात सतरिक एक एक चार पचिश पचिश बै सात तापर स्टेप कौन करा ना पाँच पाँच लिखा ए हरण को गुणन चिन्ह देवा पचिश सात हम सात बै पचिश ओके देख पाँच के पाँच पाँच पंचा पचिश ए पाँच तले किसी ना एक अच्छी ए देख एक को सात गुण के आसो ना सात यही एक को पाँच गुण आसो पाँच तो कत आसला सात बै पाँच कत आसला सात बै पाँच ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चल ए देखिए दुई नंबर क्वेश्चन दुई नंबर क्वेश्चन प्रथम बीट देला सात बै तीन हरण दुई देसी अच्छा सात बै तीन ए हरण को कौन करी ना हरण को चिन्ह देवी गुणन देख पे ये खाली दुई अच्छी अर्थ दुई बै एक अच्छे आम कह तो हरणटा जब गुणन हम दुई बै एक कत हम एक बै दुई हम सिंपल तब देख सात को एक गुणले सात तीन गुणे छह तो आसला ये के सात बै छह ख बीटा देख तीन बै सात हरण आठ बै सात अच्छी तो आपको आम लिखा देख किमी ना तीन बै सात ए हरण चिन्हटा कौन हम ना गुणन चिन्ह हम आठ बै सतट हम के सात बै आठ तो सात बै आठ सात एक सात सात एक सात ये तीन अच्छे ये एक अच्छे तीन एक तीन ये एक अच्छे ये आठ अच्छे आठ एक आठ तो तीन बै आठ कत आसला तीन बै आठ गीटा देख तीन पूर्ण एक बै दुई हरण आठ बै तीन देसी तो तीन पूर्ण एक बै दुई को जब आम अप्रकृत करवा तो हम के ना दुई तरीक छह एक सात मीन सात बै दुई
তারপরে হরণটা কোন করে না গুণনচন দেবা, তো 8/3টা 3/8 হইব। তারপরে দেখো 7 × 3 = 21, 2 × 8 = 16, ঠিক আছে 21/16, এটা কেতে হলা 21/16। ঘ বিটা দেখো 4 × 1/3, হরণ 3 দিয়েছি। আচ্ছা আকু যদি আমি অপ্রকৃত করিবা কেতে হব না, 3 × 4 = 13, 13/3, 13/3, হরণটা গুণন হব, 3 তলে কিছু না বলে 1 অছি, তো 3/1টা কেতে হব না 1/3। তা দেখো 13 × 1 গুণলে 13, 3 × 3 গুণলে 9, তো কেতে আসলা 13/9, তাকে আমি লিখি পারিবা 13/9। বিটটা 3 × 1/2 কু যদি হিসাব করিয়া কেতে আসিব না 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, মিনস 7/2, হরণকু গুণনচিহ্ন করিবা, 4 তলে কিছু নেলে 1 অছি, তো 4/1টা হব 1/4, তো 7 × 1 = 7, আউ 2 × 8, তো 7/8, এটা আসলে কেতে না 7/8, ঠিক আছে। 3 নম্বর কোশ্চিন দেখ, সেই ভাগফল স্থির করা কইছি, তো 2/5 হরণ 1/2 দিয়েছি, আকু যদি আমি করিবা দেখ 3 × 2 2/5 হরণ, হরণটা হব গুণনচিহ্ন, তো 1/2টা হব 2/1, তো 2 × 2 = 4, 5 × 5, তো 4/5 হব আনসর। খ বিট দেখ 3/7 হরণ 8/7 দিয়েছি, তো 3/7 ও 3/7 লিখিলি, হরণটা গুণনচিহ্ন হব, 8/7 কেতে হব উল্টিছ 7/8 হব, 7 × 7, 7 × 7, তো 3 × 1 গুণলে আসবে 3, 1 × 8 গুণলে আসবে 1 × 8, ঠিক আছে। তার গ বিট দেখ 3 × 1/2 হরণ 8/3 দিয়েছি, 3 × 1/2 কু যদি মু অপ্রকৃত করিবি তো হব কেতে না 6 × 7, 7/2, হরণটা গুণন হলে 8/3টা 3/8 হব, বুঝলা। তা দেখ 7 × 21, 2 × 8 = 16, 21/16, ওকে। নেক্সট দেখ ঘ বিটটা 2/5 হরণ 1/2 দিয়ে দিয়েছি, তো আকু আমি দেখো কিন করিবা, টিকিয়ে রইল দেখো 2/5 ও 2/5 লিখি দেউছি, হরণ চিহ্নকু হরণ চিহ্ন দেলি, 1/2 কু আমি যদি করিবা লিখি দেউছি 1/2, তো 2/5 ও 2/5 লিখিলি, হরণকু হরণ চিহ্ন দেলি, 1/2 যদি আমি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ পরিণত করিবা তো 2 × 2 = 3, আসলে কেতে 3/2, তাহলে 2/5 ও 2/5 লিখিবা, হরণকু গুণন চিহ্ন দেবা, 3/2টা হব 2/3, 2 × 2 গুণলে আসিব 4, 5 × 3 গুণলে আসিব 15, 4/15, ওকে। বিটা দেখ 2/1/2 হরণ 1/5, তো 2/1/2 হরণ 1/5 দিয়েছে, আকু যদি আমি পরিণত করিবা তো 2 × 4 = 5, 5/2, হরণকু আমি হরণ হি রখিবা, আউ 1/1/5 কু 5 × 5 = 6, 6/5, 5/2 হরণকু গুণনচিহ্ন দেলে 6/5টা 5/6 হব, ওকে। তা দেখ 5 × 5 = 25, 2 × 6 = 12, 25/12, ঠিক আছে। নেক্সট দেখ 4 নম্বর কোশ্চেন, 4 নম্বর কোশ্চেন দেলা 3/5 মিটর দীর্ঘ ফিতারু 1/5 মিটর দীর্ঘ কেতে খণ্ড ফিতা বাহিব, মানে টোটাল, মানে দেখ এটা হচ্ছে মনগর বড় ফিতাটা যার দৈর্ঘ্য দেলা কেতে না 3/5 মিটর, তো 3/5 মিটর ফিতারু সে কলে 1/5 মিটর মনগর এইটি হইতে গেলে 1/5, এইটি হইতে গেলে 1/5, ঠিক আছে না, তো 1/5 কেতটা ফিতা বাহিব, তো সিম্পল এটা হরা হব, কম করা হব, হরা হব, তো হরি দিও তাহলে, দেখ 3/5 হরণ 1/5, তো 3/5 হরণ গুণন দেলে 1/5 5/1 হব, 5 × 5 = 1, তো 3 × 1 গুণলে আসিব 3, 1 × 1 গুণলে আসিব 1, 3/1 = 3, অর্থাৎ কেতোটি ফিতা পাইব না 3 খণ্ড ফিতা পাইব, ঠিক আছে 3 খণ্ড ফিতা পাইব, সিম্পল সরল পিলা মানে এই প্রকারে। তো এই প্রকারে পিলা মানে আমি অনুশীলনী 2.3 কমপ্লিট কলে
यार परवर्त भिड में दशमिक संख्या द्वारा जो गुणन अच्छी दुई दशमिक चार आम देखा। तो भिडियो किपर लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, भल लगी निहत लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।